जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों WFI के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब ब्रिजभूषण से जुड़ी जिस तरह की खबरें सामने आई है, ऐसे में अब खबर आई है कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के बहाने कहीं पीएम मोदी तो नहीं निशाने पर। जी हाँ, आपको बताते चले कि नारी सशक्तिकरण को अहमियत देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के दायरे में ही आता है, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। आपको बताते चले कि साल 2024 से पहले अब परवान चढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है इस खेल को, और ब्रिजभूषण के बहाने सत्ताधारी पार्टी और उनके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। इस मामले में सत्ताधारी बीजेपी की स्थिति अब थोड़ी सी अनुकूल हो चुकी है। ना तो वो ब्रिजभूषण के बचाव में कुछ बोल रहे हैं और ना ही खिलाड़ियों का साथ दे पा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर ना तो ब्रिजभूषण को बेकसूर कहा जा सकता है और ना ही महिला खिलाड़ियों के आरोप बेबुनियाद हैं। दो पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर रही है और मामले की जांच कर रही है। जंतर मंतर पर एक बार फिर से बजरंग पुनिया जैसे हरियाणा के चर्चित खिलाड़ियों के साथ पीड़ित खिलाड़ियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका आंदोलन बहुत ज्यादा गुस्से से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस भी अपनी सख्ती दिखा रही है। खिलाड़ियों में विनेश फोगाट भी शामिल है, जिन्होंने मेडल जीतने की खुशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी बेटी बताया था। लेकिन आज केरल और कर्नाटक तक चुनावी दौरा करके दिल्ली लौटने वाले प्रधानमंत्री के पास विनेश फोगाट और बाकी खिलाड़ियों से मिलने का वक्त नहीं है। महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न का मामला देश के लिए बेहद संजीदा है। नारी सशक्तिकरण को अहमियत देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के दायरे में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। इसलिए विपक्ष दल बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। विपक्ष के नेता यहां पर अपनी मौजूदगी और विरोध दर्ज करवा रहे हैं, जंतर मंतर पर पहुंचकर खिलाड़ियों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री से अपनी खुंदक को निकालते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी को बेघर कर दिया गया तो केजरीवाल के घर के नवीनीकरण पर बीजेपी बवाल कर रही है। इससे पहले पार्टी के नेताओं और खुद पर CBI और ED की कार्यवाही को लेकर तो केजरीवाल पहले से ही गुस्से में है। रही बात सत्यपाल मलिक की, तो वो राज्यपाल के पद से रिटायर होने के बाद मोदी और शाह के खिलाफ पुलवामा के मुद्दे पर मुखर होकर सामने आए। किसानों का मुद्दा भी उन्होंने फिर से उठाना शुरू कर दिया। इसमें सहयोग कम और प्रयोग ज्यादा नजर आ रहा है। एक ही साथ पुलवामा किसान और महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न उन सारे मुद्दों को घेरता हुआ नजर आ रहा है, और इन मुद्दों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरा जा रहा है, जहां पर सारे विपक्षी दल अब एक हो चुके हैं और इन खिलाड़ियों का साथ देने के साथ इस मामले पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को निशाना बनाकर यहां पर निशाना साधा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि 2024 के चुनाव अब बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और उसके बाद क्या होगा, इससे पहले की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइफ रिपोर्ट।